तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, मैं नीट क्रैक करना चाहता हूँ। अगर नीट क्रैक करना हो तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस करना होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उसी में ही मेरा एग्जाम में आ जाएगा और मेरा जो है रिजल्ट अच्छा होगा। और रिजल्ट अच्छा होगा मीन्स मेरा नंबर नीट में अच्छा आएगा। तो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के पास सुनते होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, तो मेरा यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस करने से ही नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो जब अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में आए हो, बट आपका जो है 11th में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो आपका जो है क्वेश्चन थ्योरी भी जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस इम्पोर्टेंस है। पर आपका कब क्वेश्चंस करना है, कब थ्योरी पढ़ना है, उसी के ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो उसी टॉपिक पे जो इजी क्वेश्चंस है वो लगा लेना चाहिए, और उसके बाद नीट के PYQ एंड एग्जाम्पलर करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से आपका जो है नीट में कैसा क्वेश्चंस आता है उसी के बारे में आपका पता चल जाएगा, और उसी के बेसिस पर आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर आप PYQ या NCERT एग्जाम्पलर स्किप कर देते हो तो आपका जो है नीट में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसका लेवल भी कितना होता है वो आपका पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका PYQ और एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे से करना होगा, यानी आपका जो है PYQ आप 2-3 बार करना ही होगा नीट के फाइनल एग्ज़ाम के पहले। और अगर आप जो है, मैं तो बोलता हूँ कि आप पार चैप्टर 200 से 250 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे टीचर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, कि और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बोला जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो वो जो क्वेश्चंस है उसमें से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और रिविजन इज़ द की आपका नीट क्रैक करने के लिए, क्योंकि आप रिविजन नहीं दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपका जो है शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना होगा। और इसी भी चैनल में मैं पॉडकास्ट के फॉर्मेट में वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी आप सुन सकते हो जब आप सो रहे हो या आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हो, उस समय में आपका टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्योंकि नीट जो है, नीट आपका जो है पढ़ना होगा, उसी जो मिस्टेक करोगे वो मिस्टेक नोट डाउन करना होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा, रिमाइंड करना होगा, और लास्ट में आपका टेस्ट देना होगा। और ये जो साइकिल है फिर से कंटिन्यू करना होगा टू सर्वाइव इन नीट प्रिपरेशन। तो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के पास सुनते होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, तो मेरा यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस करने से ही नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो जब अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में आए हो, बट आपका जो है 11th में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो आपका जो है क्वेश्चन थ्योरी भी जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस इम्पोर्टेंस है। पर आपका कब क्वेश्चंस करना है, कब थ्योरी पढ़ना है, उसी के ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो उसी टॉपिक पे जो इजी क्वेश्चंस है वो लगा लेना चाहिए, और उसके बाद नीट के PYQ एंड एग्जाम्पलर करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से आपका जो है नीट में कैसा क्वेश्चंस आता है उसी के बारे में आपका पता चल जाएगा, और उसी के बेसिस पर आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर आप PYQ या NCERT एग्जाम्पलर स्किप कर देते हो तो आपका जो है नीट में किस तरह से क्वेश्चंस आता है और उसका लेवल भी कितना होता है वो आपका पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका PYQ और एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे से करना होगा, यानी आपका जो है PYQ आप 2-3 बार करना ही होगा नीट के फाइनल एग्ज़ाम के पहले। और अगर आप जो है, मैं तो बोलता हूँ कि आप पार चैप्टर 200 से 250 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे टीचर ऑनलाइन